हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी। देखिए, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देखिए वीडियो अच्छा से देखिए, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो प्लीज एक कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा या नाइस है, या फिर ऐसा कमेंट कर दीजिए कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में भी किसी भी पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं। कमेंट किया कीजिए जिससे कि मुझे ऐसा लगे, कि फील हो मुझे ऐसा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई रोडो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बुक है। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि बहुत ही शानदार बुक है, वाकई में इसका न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल ऐसा है, मतलब हर एक नए टाइप का न्यूमेरिकल होता है, मतलब पानी पिला देने वाला न्यूमेरिकल होता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्टेप बाय स्टेप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपने सही मायने में सीख लिया और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास कहीं पे आता है, दो चार क्वेश्चन अगर खुद से कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जेई मेंस या एडवांस या दुनिया का कोई भी कंपटीशन इस लेवल का फिजिक्स में कहीं पे भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, इससे पहले मैं हूं दिवाकर भगत, जो बच्चे नए हैं उन सबके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी, जिसमें हम लोग अभी आई रोडोब का क्वेश्चन कर रहे हैं। डायनामिक्स का 1.2 है ये सेक्शन, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1.76 है। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे शॉर्ट्स आपको नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला है कि बस स्लाइड किया देखते गए, या फिर व्हाट्सएप वाला वीडियोज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। प्योर कॉन्सेप्ट, ट्रू कॉन्सेप्ट। और ये मैं जो चैनल चला रहा हूँ, इसका एक उद्देश्य है कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो सॉलिड फाउंडेशन के साथ तैयारी करें। ठीक है, जिससे उसका सिलेक्शन इजी वे में हो जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको फायदा देगा। दूसरा, अगर वीडियो अगर लास्ट तक देखें, वीडियो अगर आपको लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगता है, कोई कमी निकल के आती है, तो जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर भी करें दोस्तों में, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो, लोग जाने इस चैनल के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द मास ऑफ बॉडी वन इज ईटा इज इक्वल टू 4.0 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ बॉडी टू। देखिए ध्यान से, यहां पे बॉडी वन है और यहां पे बॉडी टू है। ठीक है, पिक्चर में आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ व्हाइट बोर्ड, एक पेन और जो ये लाइट है, टेम्पररी लाइट, यहाँ पे कोई भी इंटरैक्टिव पैनल नहीं है, कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम भी नहीं है, बस इतना है कि काम चल सकता है और इसी में आपको काम चलाना है अगर आपको सही मायने में सीखना है तो। द हाइट एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हाइट जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, द मासेज ऑफ पुल्ली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। तो जैसा कि हर एक सवाल में होता है कि जब पुल्ली सिस्टम की बात करते हैं तो थ्रेड का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब नगण्य होता है। पुल्ली के बीच में और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो जीरो होता है, आराम से स्लिप करेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन। एंड जो मास है, ये मास और ये मास, दोनों मास ऑफ पुल्ली, ये दोनों मास ऑफ पुल्ली क्या है, नगण्य है, जीरो है, नेग्लिजिबल है। एट ए सर्टेन मोमेंट बॉडी टू इज रिलीज। तो इनिशियली क्या है कि बॉडी टू इज रिलीज, एक मिनट में देख लूं बॉडी टू है या वन है, कौन सा बॉडी वन है, कौन सा बॉडी टू है, एक चीज। सो बॉडी वन है और बॉडी टू है। तो क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ पे इनिशियली ये फिक्स किया है किसी चीज से, और कुछ देर के बाद, कुछ इंस्टेंट के बाद, मतलब किसी मोमेंट पे इस बॉडी को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही रिलीज करेगा, मतलब छोड़ दिया जाता है, मतलब ये कॉन्टेक्ट यहां से टूट जाता है। ठीक है, एंड द अरेंजमेंट सेट इन मोशन, जो अरेंजमेंट है वो मोशन में आ जाता है। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट दैट बॉडी टू विल गो अप, कितना मैक्सिमम हाइट ये बॉडी टू जाएगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट तो आना ही आना है, एक मिनट में पाने दे लो, जब भी कंस्ट्रेंट आता है ना प्याज लग जाता है।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में टिपिकल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, यूरोप का क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरह का देखने को आपको मिल जाएगा। तो एक कंस्ट्रेंट आएगा, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पुल्ली है फिक्स, ठीक है, तो इस पुल्ली का तो मूवमेंट नहीं होगा, बट ये वाला जो पुल्ली है इस ब्लॉक से क्या है, कनेक्टेड है। ओके, तो जब भी ये ब्लॉक अप या डाउन होगा, ये साथ में पुल्ली भी अप और डाउन होगा। तो जब भी पुल्ली अप और डाउन होगा तो वहां पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लेंथ, मतलब कितना डाउन ये जाएगा, वन कितना डाउन जाएगा, तो टू कितना अप जाएगा, ये कंस्ट्रेंट का आएगा, ठीक है। और सिस्टम में अगर हम देखें तो एक हमारा तो सिस्टम बन जाएगा, किसका किसका मोशन हो रहा है, जिसका जिसका मोशन हो रहा है उसे हम सिस्टम में ले लेते हैं। सो ब्लॉक वन का मोशन हो जाएगा, पुल्ली का मोशन हो जाएगा और ब्लॉक टू का मोशन हो जाएगा। अब यहां पे ये कह रहा है कि इसको रिलीज किया तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये सारा का सारा थ्रेड क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये पुल्ली सिस्टम नीचे आएगा और ये ब्लॉक भी नीचे आएगा, और लास्ट में ये ब्लॉक जो है यहां पे इस पे आके फर्श पे आके क्या हो जाएगा, फ्लोर पे आके टकरा जाएगा। तो टकराने के बाद जैसे ही ये टच होगा यहां पे, जो ये पोर्शन है, ये ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्लैकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सिस्टम लेते हैं, सिस्टम, ओके, ब्लॉक वन, यहां पे सिचुएशन में क्या क्या मास ऑफ बॉडी वन, तो बॉडी वन लेंगे, सिस्टम में बॉडी वन लेंगे, ओके। बॉडी वन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लिखना है, चलिए, तो बॉडी वन ये है, एफबीटी बनाएंगे, ओके। सो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ वन, सो मास ऑफ वन या मास ऑफ ए ले इसको, वन टू लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसे मास ऑफ ए ले लेते हैं, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ओके। नाउ और ये वाला है, ये एम जी, और इसमें टेंशन मान लेते हैं टी, सो टेंशन सपोज इसमें टी लग रहा है, सो सिंपल सा यही दो फोर्स लगेगा हमारे ब्लॉक वन पे, बॉडी वन पे, ओके। सो इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, चूंकि ये रिलीज कर रहा है तो डाउनवर्ड जा रहा है नीचे, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, सो एम और एम ऑफ ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए, कोई प्रॉब्लम, हमने ये माना कि बॉडी वन का जो एक्सेलरेशन है ए है, ओके, ये चीज हो गया, सिस्टम हमने मान लिया बॉडी वन को। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा क्या, फर्स्ट, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सिस्टम मान लेते, दूसरा क्या मूवमेंट सिस्टम हो जाएगा, क्या मूव कर रहा है सिस्टम, पुल्ली, ठीक है, पुल्ली सिस्टम मान लेते हैं। तो ये जो पुल्ली है, ठीक है, इस पे देखिए एफबीडी अगर बनाएंगे ध्यान से, तो ये सपोज टी डैश, इस पे भी टी डैश और नीचे टी, ठीक है, सो टी माइनस टी डैश, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी डैश, ओके, ट्वाइस ऑफ टी डैश क्यों, क्यों, क्योंकि पुल्ली पे दो टेंशन टी डैश, क्योंकि ये सारा का सारा पुल्ली में जो लेंथ लगा हुआ वो सेम ही स्ट्रिंग का है, तो टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग सेम होगा, उसे हम लोगों ने टी डैश माना, सो टी माइनस टू डैश, टू टी डैश इज इक्वल टू मास ऑफ पुल्ली इज जीरो। सो प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था मास जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ भी रहे तो ये टोटल मास पुल्ली से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर टी डैश इज इक्वल टू टी बाई टू, टी बाई टू, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ओके। अब सिस्टम, अब हम लेते हैं सिस्टम ब्लॉक टू, बॉडी टू, बॉडी टू का सिस्टम देखिए, जैसे ही ये रिलीज होगा बॉडी टू सरफेस से ऊपर आएगा, इस पे लगेगा एम ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ऊपर लगेगा कौन सा टी डैश, ओके। अब यहां पे इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन ले लेते ऊपर, सो ये ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन क्या लिख लेंगे, टी डैश, देखिए वेक्टोरियली अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन प्लस माइनस करके कट जाएगा, तो हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं टी डैश माइनस, ओके, एम ऑफ बी इंटू जी, सो दिस इज इक्वल टू
m of b into acceleration of body b, ये इक्वेशन हो गया थर्ड. ओके, अब यहां पे देखिए t है, t dash है, acceleration of body a है और acceleration of body b है. कितने वेरिएबल है? चार. इक्वेशन कितने बन रहे हैं हमारे? तीन. इसका मतलब है कि तीन सिस्टम हो गया हमारा, बॉडी वन पुल्ली एंड बॉडी टू, तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गया. और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें चार इंडिपेंडेंट इक्वेशन की जरूरत होगी. तो कमेंट करके, आप कमेंट, लाइव क्लास तो है नहीं जो कमेंट करके बताएंगे आप, जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास लेने वाले हैं. तो आप यहां पे सोचिए ये फोर्थ इक्वेशन कौन सा होगा. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ चुका होगा कि क्या होगा, मैं पहले भी बताया हूं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट. अब तो आप लोगों को आ गया होगा लिखना कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम लोगों ने ड्राइव किया है. कैसे आता है इस चीज को भी हम लोगों ने देखा है. कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप देखिए, जब भी कनेक्टेड होगा पुल्ली, सपोज ये पुल्ली जो है यहां था, ओके, और ये इस पुल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पुल्ली की, ये पुल्ली यहां आ गया. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया? x, सपोज x, ओके, किधर से? देखिए इधर से आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी x जाएगा, ये वाला पोर्शन भी x जाएगा. कुल मिला के कि अगर इसके साथ कनेक्टेड क्या है, ये बॉडी ऑफ मास वन, अगर मास x मूव करेगा, ठीक है, मास ऐसे लिखते हैं यहां पे देखिए, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, ब्लॉक वन ब्लॉक बी, मास ऑफ ए अगर x यूनिट मूव करेगा, मतलब ये पुल्ली जो है इससे कनेक्टेड है, ये x नीचे जाएगा, तो राइट हैंड साइड में भी से भी धागा x जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड से भी धागा जो थ्रेड है वो x नीचे जाएगा. मतलब कि ये जो कनेक्टेड है यहां से ये वाला स्ट्रिंग, ये 2x ऊपर जाएगा. आया बात समझ में? तो ये आ जाएगा 2x, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक वन में वन यूनिट होगा तो ब्लॉक टू में डिस्प्लेसमेंट टू यूनिट होगा. तो अगर इसको टाइम से डिवाइड करें, इसका वेलोसिटी अगर v होगा तो इसका वेलोसिटी 2v होगा, और साथ में अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a a होगा, इसका एक्सेलरेशन a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन mb का ट्वाइस ऑफ a a होगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये इसका एक्सेलरेशन x यूनिट से होगा तो ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन, चूंकि इंटरकनेक्टेड है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन a into a होगा. सो वी कैन राइट हियर ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन ऑफ a, उल्टा लिख दिया शायद, अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो ab का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ab. सो ab इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a b. ये फोर्थ इक्वेशन हमारा आ गया, ठीक है. अब इसी चार को पहले सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे. सो अब यहां पे देखिए, मैं इसी इक्वेशन को एक एक करके लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे. m ऑफ a इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m ऑफ a, a ऑफ a, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू को लिख सकते हैं t डैश इज इक्वल टू t बाई टू. सो दिस इज t बाई टू माइनस m ऑफ b इंटू जी. सो दिस इज इक्वल टू m ऑफ b इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज ट्वाइस ऑफ ये ए ए होगा, ट्वाइस ऑफ ए ए, क्लियर. सो इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई टू, सो दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई टू. सो ये टी हो जाएगा. अब इसको एड करते हैं. सो एड करेंगे तो एम ऑफ ए इंटू जी माइनस ट्वाइस ऑफ एम ऑफ बी इंटू जी इज इक्वल टू फोर इंटू एम ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए. ओके, नाउ यहां से ईटा इज इक्वल टू 4.0.
So what do you mean by eta? So m of a over m of b. So this is eta. Okay, m of a over m of b is equal to eta. So if we divide both sides by m of b, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज ईटा इंटू जी माइनस ट्वाइस ऑफ जी इज इक्वल टू फोर ऑफ एम बी कैंसिल एक्सेलरेशन ऑफ ए. ओके सो और भी कुछ छूट रहा है? नहीं, यस छूट रहा है. यहां पे छूट क्या रहा है? एम ऑफ ए प्लस ए बी, इसको ऐड करेंगे तो ए बी तो आएगा ना, ये छूट रहा है. सो एम ऑफ प्लस एम ऑफ ए इंटू ए बी. ओके एंड ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए, ये हो जाएगा एम ऑफ ए. सो दिस इज एम ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए. ओके सो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए, हेंस वी हैव 4a. यहां पे एम बी से हम लोगों ने डिवाइड किया था प्लस ईटा ए. आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा. फिर से चेक कर लेते हैं. एम बी से एम बी चला जाएगा, ये ऐड किए हैं तो एम बी एम ए इंटू ए. ओके सो एम बी. तो यहां से एक्सेलरेशन ए ऑफ ए कैन बी ए ऑफ ए 4 plus eta इज इक्वल टू g is taken as common, we have eta minus 2. Okay, so acceleration of a is equal to g into eta minus 2, so this is eta, divided by 4 plus eta. So this is the acceleration we find here for body 1. Acceleration hum logon ne find out kar liya. अब यहां पे ध्यान से देखें, जी क्या है? हमारा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए. सो ट्वाइस ऑफ जी इंटू ईटा माइनस 2 डिवाइड बाय ईटा प्लस 4, ये एक्सेलरेशन हो गया. ओके नाउ जब ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और जब ये एच हाइट डाउन हो जाएगा यहां पे, तो कहीं पे इसका पोजीशन ये होगा, ठीक है? और जैसे ही एच हाइट ये डाउन होता है, इसका मतलब है, ध्यान समझेंगे, अगर ये एच हाइट डाउन होता है तो इस हिसाब से अगर एक्स है तो 2x ही जाना चाहिए, तो 2x हाइट ये ऊपर आएगा, ये वाला ब्लॉक अगर ये एच जाएगा तो ये 2h ऊपर आएगा, ठीक है? और 2h जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो उस केस में जो टेंशन होगा किसमें, ये यहां से ये नीचे आके टकराएगा, टकराने के बाद ये चीज आ गया रेस्ट में, तो ये भी रेस्ट में, तो जो टेंशन होगा इसमें ये जीरो हो जाएगा. और टेंशन जीरो होने के कारण इसका जो वेलोसिटी अपवर्ड होगा इस एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है, तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा विथ वेलोसिटी अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये हमारा ऊपर की ओर है. तो कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? फ्री फॉल के बाद, समझिए यहां पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर एक्सेलरेशन ये है हमारा ए बी, सो वी कैन राइट हियर वी इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं यहां पे, वेट अ मिनट मैं पानी पी लूं. ओके सो एक्सेलरेशन ये क्या होगा? इसका ऊपर होगा. तो कितने टाइम के बाद ये बॉडी इसको टच करेगा, ठीक है? तो टाइम हमें निकालना है और हमें यहां पे थोड़ा सा इरेज करना होगा. सो वी कैन इरेज हियर, इस सिस्टम को इरेज कर देते हैं, ठीक है? ओके सो देखिए, अगर ये एच हाइट डाउन होता है तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी नहीं ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा. ओके सो
टी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए इज जी इनटू ईटा माइनस टू और ऊपर में हो जाएगा क्या फोर प्लस ईटा टी का मान निकालना, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहां से हमने इरेज कर दिया। तो इतने टाइम के बाद क्या होगा, ये टकरा जाएगा। अब जब इतने टाइम के बाद ये टकराएगा तो ये बॉडी कहां तक जाएगा, 2h, क्योंकि ये h गया तो ये 2h जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b इंटू, अब यहां पे चूंकि ये h गया है नीचे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2h, सो वी कैन राइट 2h। इस बॉडी के लिए आप बात कर रहे हैं, इस बॉडी के लिए कि t टाइम के बाद कितना इसका वेलोसिटी होगा यहां पे, ठीक है, कितना वेलोसिटी होगा। ध्यान समझेंगे, बहुत ही काइनेमेटिक्स को, डायनामिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन में जोड़ा है। टाइम लगेगा थोड़ा सा बट आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो वी सेकेंड बॉडी के लिए बात करें, ये फोर सेकेंड बॉडी, फोर बॉडी टू, जो वेलोसिटी होगा टी टाइम के बाद वो कितना होगा, तो यू कितना है हमारा जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2g into 2 into g eta minus 2 eta minus 2 divide by eta plus 4 into ये तो twice of acceleration into 2h into 2 into h, so v square is equal to कितना हो गया हमारा 2 दुना 4 दुना 8 g h eta minus 2 okay divide by eta plus 4 v square okay। अब जब ये टकराएगा तब इसका वेलोसिटी v square का वैल्यू ये है okay। अब ये यहां से टकराने के बाद ये जो टेंशन था इसमें, ये टेंशन क्या हो जाएगा, t tends to 0 हो जाएगा। अब टेंशन 0 हो जाएगा तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, स्पेस नहीं है, तो यहां से इरेज कर देते हैं ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इज यहां पे वी है तो ये वाला चीज आ जाएगा, तो कितने हाइट के बाद ये जीरो हो जाएगा, तो फाइनल हाइट मैक्सिमम हाइट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी कैन राइट हियर वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू u initial square plus 2 into g into suppose h height तक जाके, यहां से ये तो 2h है, यहां से भी 2h है, h height तक जाके ये कहीं पे यहां पे h height तक जाके ये इसकी maximum height होगा जहां पे velocity final 0 हो जाएगा। तो final velocity 0, ठीक है, initial velocity के लिए हमारे पास ये आ जाएगा, तो 8gh gh eta minus 2 okay divided by eta plus 4 eta plus 4 okay plus okay 2 into g, g क्या होगा यहां पे बच्चे, g जो होगा minus g हो जाएगा क्योंकि g downward लग रहा है, तो minus g into h okay, so we can write here 2 into g into h is equal to 8 gh eta minus 2 divided by eta plus 4, so g से g cancel, 2 से 2 चौका 8, so h is equal to 4h okay eta minus 2 divided by eta plus 4, तो ये height आएगा after ये जब ये touch करेगा, ठीक है, tension जब 0 होगा ये height, तो net question क्या कह रहा है, maximum height that body टू विल गो अप टू, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू सपोज मान लेते हैं एच डैश, सो एच डैश इज इक्वल टू दिस एच जो कि हमने फाइंड किया यहां से यहां तक, और ये एच डाउन गया तो ये टू एच ऊपर गया, सो वी हैव टू एड टू एच, एंड एच इज इक्वल टू फोर एच प्लस eta 4h into eta minus 2 divided by eta plus 4
प्लस ट्वाइस ऑफ एच, वेट ए मिनट, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। सो यहां से 2H कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2H, ठीक है। सो वी हैव ईटा माइनस 2 प्लस ईटा प्लस 4 डिवाइड बाई ईटा प्लस 4, ओके। सो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H इंटू ट्वाइस ऑफ H प्लस 2, नहीं ट्वाइस ऑफ ईटा, this is twice of eta plus 2 divided by eta plus 4। थोड़ा सा इसको साफ से कहां पे लिखा, जगह भी नहीं है, चलिए। So maximum height h is equal to h dash is equal to we have twice of h into 2 ले लेते तो 4 हो जाएगा, 4 of h eta plus 1 divided by eta plus 4, चूंकि ये मल्टीप्लाई में ये एडिशन में तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को, आई होप समझ में आ गया होगा, काफी लंबा लंबा क्वेश्चन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.6, 6 ईटा एच डिवाइड बाय ईटा प्लस 4। अब ये 6 आ रहा है, कहां पे रह गया 6? 6 आ रहा है तो ये 6 कहां पे रह गया, कहीं पे चेक करना पड़ेगा। तो वेट ए मिनट, यहां से देखिए पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक करना पड़ेगा उसको। सो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द एच डैश, एच डैश इज इक्वल टू वी हैव टू टेक 2H एज कॉमन, सो ट्वाइस ऑफ एच इज टेकन एज कॉमन, सो वी हैव 1 प्लस ट्वाइस ऑफ eta minus 2 divided by eta plus 4, okay. So h dash is equal to twice of h into eta plus 4 plus 2 eta minus 4 divided by eta plus 4. So 4 4 cancel ho jayega, theek hai. So this is twice of h into 3 eta divided by eta plus 4. So 6 h eta divided by eta plus 4. So this is the maximum height जो कि body जाएगा ऊपर. So maximum height that body to will go up is 6 h into eta divided by eta plus 4. I hope clear हो गया होगा. Okay. अब यहां पे मैक्सिमम हाइट का तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अब अगर हम लोग यहां पे पुट करें ईटा इज इक्वल टू 4 तो क्या आता है, और एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सो एच डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ईटा इज इक्वल टू 4, 4 8 हो जाएगा। सो 4 एकल 4, 4 दुना 8, तो ये हो जाएगा 1.6 दुना 12 डिवाइड बाई 2, so this is 0.6 meter, okay। या फिर इसको सेंटीमीटर में अगर लिखें तो 60 सेंटीमीटर, और आंसर मैच कर लें, yes। So this is 0.6 meter या 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब तो फिगर इसमें मैं इरेज भी कर दिया हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया, और वीडियो भी काफी लंबा हो गया होगा आज का, तो आधा घंटा से अधिक का हो गया होगा, ठीक है। किस तरह से इक्वेशन को लिखा, और इक्वेशन लिखने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद जब ये टकराया नीचे तो स्ट्रिंग में टेंशन हो गया जीरो, और जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन हो गया जीरो,
जो बॉडी टू था वो आ गया फ्री फॉल के कंडीशन में, और जैसे ये फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग वहां पे यूज करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन कितना लग जाएगा जी, और इनिशियल वेलोसिटी जो जिस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट करेगा उस टाइम पे हम जो इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं बॉडी टू का, उससे वी स्क्वायर का इक्वेशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के हम लोगों ने फाइंड ऑफ किया एच। तो जो हमने एच फाइंड किया वो ये था, कहाँ गया वो एच, ये था आफ्टर टचिंग द सरफेस बॉडी टू विल गो अप अप टू दिस वन, और इनिशियली 4H ऑलरेडी 2H ऑलरेडी था, तो इस दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, मैक्सिमम हाइट निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक भी होगा कैलकुलेशन के दौरान, तो उस चीज को ध्यान में भी रखना है हमें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्वेश्चन नंबर 1.77, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो कर लीजिए, ठीक है, और कंटेंट को शेयर कीजिए, पूरा देखिए समझ में आएगा। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।